Alright, so let's start with multivariate random variable. Now we have whatever we were doing, that was single variable. जब हमने x पढ़ा, x follows discrete, x follows continuous, number of claims, amount of claims, return that you're earning, whatever it was. But अब हम लोग अगर interaction लेना चाहें या multiple variables के साथ deal करना चाहें तो उसको we call it as multivariate random variable. You can have two or more than two random variables together. ठीक है. Now इसकी कुछ terminologies है. Almost you will see that जो हम लोग का concept है ना वो काफी similar है to single variable जो हमने पढ़ा है. ठीक है. तो most of the things are similar, but उसका जो representation होता है, समझने का तरीका होता है, वो अलग हो जाता है. ठीक है. So if we start by saying, let's say suppose आप लोगों ने PDF कैसे लिखा था. If you all remember, आप लोगों ने PDF कैसे लिखा था single variable का, fx x वैसे लिखते हैं. यहां पे इस केस में अगर discrete है तो instead of fx x, क्योंकि अब more than one variable है, so we will have it like this. जब आप लोग बोलोगे fx1 x2 x1 comma x2 equals probability x1 equals to x1 comma x2 equals x2, where you have two variables x1 and x2 and both are discrete. This is how you are representing. देख लो. ठीक है. ऑल राइट. सिमिलरली हम लोग CDF कैसे लिखेंगे. हम लोग CDF भी सिमिलर तरीके से लिखेंगे. CDF भी सिमिलर तरीके से लिखेंगे. बट इसका जो पूरा फॉर्मूला है वो मैं लिख नहीं रही हूं. इफ यू ऑल वॉन्ट, हम लोग क्या करते थे, इफ यू ऑल रिमेम्बर, हम लोग डिस्क्रीट केस में अगर CDF निकालते थे, हम लोग क्या करते थे, या तो इंटीग्रेट या तो सम फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी या जीरो से लेके एक्स तक एफ एक्स को आप सम करते थे या इंटीग्रेट करते थे टू ब्रेक आउट द CDF. अब यहां क्या है, मल्टीवेरिएट का CDF है, तो हम लोग सम तो इसी को करेंगे. सम हम लोग इसी को करेंगे, बट कैसे करेंगे बता सकते हो? बता सकते हो कैसे करेंगे? या फिर इफ आई जस्ट मेक इट स्पेसिफिक, इंस्टेड ऑफ एक्स वाई लेट मी राइट टी वन कॉमा टी टू. मतलब कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज. This is a specific value from x1 variable. This is a specific value from. So you have two variables. You have variable 1 x1 and you have variable 2 x2. तो यहां अब हम लोग summation लेंगे, but यहां दो summation आ जाएगा. एक हो जाएगा आपका for all x1 which is less than t1 and for all x2 which is less than. Clear है? अब अगर इसका हम लोग को, हम लोगों ने क्या बनाया था, इफ यू रिमेम्बर, हम लोग यहां एक्स ले रहे थे और यहां हम लोग या तो उसका पीडीएफ या हम लोग उसका सीडीएफ ऐसा कुछ बनाते थे, राइट. बट इस केस में आपके पास दो वेरिएबल है एंड लेट्स सपोज इफ आई आस्क यू प्लॉट द पीडीएफ ऑफ मल्टीवेरिएट, तो ये थ्री डायमेंशनल हो जाएगा विथ टू वेरिएबल्स, एक एक्स वन का, एक एक्स टू का और एक पीडीएफ का. सो बनाने को ऑब्वियसली नहीं आता है, बट इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड, जैसे हम लोग एक हो गया हम लोग का x1, x2, हाँ ठीक है, और ये हो गया हम लोग का पीडीएफ, ज्वाइंट पीडीएफ. क्लियर? ऐसा बनेगा, देख लो. x1, x2 एंड या तो ये हो गया आपका सीडीएफ का. ठीक है. अब हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो हम लोग को और इजीली समझ में आएगा. सो लेट्स सपोज हम लोग के पास है, देर आर टू, ध्यान से सुनना एंड देन आई विल फिल इन द वैल्यूज. एक्स वन इज द रिटर्न ऑन द स्टॉक. लेट्स सपोज यू हैव बॉन्ड्स और स्टॉक्स, सो एक्स वन इज द रिटर्न दैट यू आर अर्निंग एंड लेट्स सपोज इट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल एंड यू कैन हैव ओनली थ्री रिटर्न, -5%, 0% और +5%. ठीक है. इट डिपेंड्स, या फिर लेट्स सपोज देयर इज अनदर वेरिएबल व्हिच इज एनालिस्ट का रिकमेंडेशन. सो एनालिस्ट या तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के लिए जीरो,
एनालिस्ट या तो पॉजिटिव है अबाउट द स्टॉक तो उसको 1, या तो एनालिस्ट नेगेटिव है अबाउट द स्टॉक तो उसको -1. सो दिस इज व्हाट द एनालिस्ट इज रेकमेंडिंग एंड दिस इज व्हाट द एक्चुअल रिटर्न ऑन द स्टॉक इज. ठीक है, एक बार उसको फिल इन करो फिर मैं समझाऊंगी इसको. ट्वेंटी परसेंट, 10%, 5%, 10%, 15 and 5, 0, 15, 10, नहीं 0, 15 and 20 कर दो उसको. अब ये सारे का सम शुड एड अप टू व्हाट, 100%. वाई? बिकॉज व्हाट वी आर सेइंग, ध्यान से सुनना, व्हाट वी आर सेइंग कि एक्स वन लेट्स सपोज 5% है एंड एक्स टू लेट्स सपोज 0 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? मतलब आप बोल रहे हो कि आपका स्टॉक का रिटर्न इज 5% एंड आपका रिकमेंडेशन वॉज न्यूट्रल, तो कितना आ रहा है? दिस इज नोन एज, लिख लो, जॉइंट प्रोबेबिलिटी. जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, एफ एक्स वन कॉमा एक्स टू 5% कॉमा 0. गॉट इट? जब आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइवेरिएट. द वर्ड बाय स्टैंड्स फॉर टू. मल्टीवेरिएट मतलब टू से मोर एंड बाइवेरिएट इज अ स्पेशल केस जहां पे आपके पास टू वेरिएबल्स हैं. ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे को इसमें से मैं बोलूं, ये आपको ये गिवन है, क्या गिवन है? जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है. इसको क्या बोलते हैं? जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, जैसे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन होता था. तो इस केस में अगर मैं आप लोग को बोलू कि यहां पे मेरे को खाली आप लोग ये निकाल के बताओ, खाली मेरे को एफ एक्स वन निकाल के बताओ. ये मैं क्या निकालना चाह रही हूं, क्या निकालना चाह रही हूं? पीडीएफ ऑफ एक्स वन, एक सिंगल वेरिएबल का फ्रॉम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन. इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन. मार्जिनल, ये हो गया जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन या जॉइंट प्रोबेबिलिटी. सिंस जॉइंट प्रोबेबिलिटी गिवन है, आपको क्या चाहिए? आपको सिंगल वेरिएबल का पीडीएफ चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन. ये वर्ड टर्मिनोलॉजी हम लोग देते हैं इसको एज. तो आप लोगों ने जो भी रैंडम वेरिएबल चैप्टर में पढ़ा था, दोज वर ऑल मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस. वहां पे वो टर्म नहीं यूज कर रहे थे बिकॉज हम लोग का जॉइंट नहीं था. हम लोग जॉइंट प्रोबेबिलिटीज में जब डील करते हैं तो हम लोग ये वर्ड ऑफ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं. ठीक है, अब इसका अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगी ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे निकाला मैंने. इफ आई जस्ट डायरेक्टली राइट, लेट्स सपोज इसका फॉर्मूला होता क्या, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन, यू ऑल कैन राइट इट, बट फॉर्मूला इज एनीवेज नॉट रिक्वायर्ड. समिंग ओवर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स टू. इसका क्या मीनिंग है? जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को सम कर दे रहे हैं फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द अदर वेरिएबल. अब एक बार ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है, तो इन लोग इसको समझाते हैं, समझाने के लिए कि हाउ टू फाइंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन यू समिंग ओवर द अदर वेरिएबल्स, समिंग ओवर द अदर वेरिएबल, समिंग ओवर जॉइंट प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल. मतलब
कंफ्यूजिंग टर्म्स बना देंगे, बट इसको अगर मुझे एक्सप्लेन, इसको अगर मुझे कंप्लीट करना हो तो इसमें क्या होगा, इसका मीनिंग समझो। ये आप निकाल रहे हो क्या, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हो। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का क्या मतलब है कि आपके x1 के कितने कितने वैल्यूज पॉसिबल है और उसका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज क्या है। तो x1 के कितने वैल्यूज पॉसिबल, -5, 0, 5 एंड उसका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज क्या है। तो उसको कैसे निकालेंगे देखो, उसको लेट मी डू वन थिंग, कैन आई कॉपी द शीट, ये पॉसिबल है क्या इसमें, वो तो ठीक है, ठीक है, नेवर माइंड, वही करते हैं बेटा। एक्चुअली बट बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं नो वरीज, आई टेक दिस टेबल, ठीक है। तो यहां मुझे क्या करना था, एफ एक्स वन निकालना है, जिसको मैंने बोला है समिंग ओवर अदर। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, समिंग ओवर द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ऑल एक्स टू का वैल्यूज। तो इसका क्या मीनिंग है, एक बार सुन लो, आपके एक्स टू के कितने वैल्यूज हैं, एक्स टू इज द स्टॉक एनालिस्ट का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, विच इज ठीक है, चलो माइनस वन से स्टार्ट करते हैं, -1, 0 एंड 1, समिंग ओवर दीज एंड टेकिंग आउट वैल्यूज ऑफ दिस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल्स x कॉमा x2 इक्वल्स -1, जो आपका ये -1 हो जाएगा, लेट्स सपोज, ठीक है, प्लस। तो ये एक स्पेसिफिक आपको x का वैल्यू तो अज्यूम करना पड़ेगा ना पहले, आप ऐसे तो सॉल्व कर नहीं पाओगे, आपको एक x का वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट्स टेक, लेट्स सॉल्व दिस लाइक दिस, जहां हम लोग बोल रहे हैं कि f f x1 पहला क्या था, 5%, उसके लिए सॉल्व करते हैं, -5 के लिए कर लो, चलो। तो -5 के लिए मतलब आप क्या कर रहे हो, यहां पे आप क्या डाल रहे हो, -5%। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल्स -5% कॉमा x2 इक्वल्स -1 प्लस x1 इक्वल्स -5% x2 इक्वल्स 0 प्लस x1 इक्वल्स -5% कॉमा x2 इक्वल्स 1। तो आपने क्या किया, फॉर वन वैल्यू ऑफ x, ठीक है, हमने फॉर वन वैल्यू ऑफ x हमने सम किया है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x2। तो यहां पे खाली इफ यू हैव रिटन, इसको एक बार काट के टू बी मोर स्पेसिफिक ऐसे कर सकते हैं, x कॉमा x2। ये x लिखने का क्या मतलब है पता है, ये वाला जो x है, ये वाला जो x है। बाहर मैंने क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि बाहर तो हम लोग खाली दिखाते हैं कि किसका पीडीएफ है, वो x1 और x2 का, और अंदर क्या लिखते हैं, वैल्यूज लिखते हैं, गॉट इट। अब इसका अगर हम लोग कॉपी करें यहां से, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं That x1 equals to -5, given x2 is -1, given x2 is 0, given x2 is 1, ये सारा ले रहे हैं, तो 20%, 10% and 5% है, so 20 क्या है, कितना आ रहा है, 35% आ रहा है। सेम कैन यू डू फॉर fx1, सेम कैन यू डू फॉर एफ एक्स वन वेन इट इज 0% एंड एफ एक्स वन वेन इट इज 5%। सो वंस यू हैव दिस, कैन यू मेक एक्स वन का
कैन यू मेक एक्स वन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, करो इसको, चलो क्या आ रहा है 0% वाले का, 0% वाले का देखो क्या होगा, जब ये जीरो है माइनस वन जीरो, सो बेसिकली एड द रो, एड द कॉलम, एड द कॉलम, क्या होगा इसका, इसका होगा 30 और इसका होगा, दिस इज एडिंग अप टू, गॉट इट. Similarly, can you also do for fx2? Can you find marginal distribution of x2? तो marginal distribution of x2 कैसे निकलेगा? x2 summing over all the values of x1, which is taking minus 5, 0 and 5, मैं परसेंट में नहीं लिख रही हूं, fx1, x2, x1, x. हाँ मैं दिखा रही हूँ, ये वाला क्लियर है, आई शो यू एक सेकेंड. तो अच्छा देख लो पहले, फिर करते हैं इसको. प्रोबेबिलिटी होगा ना ये तो, या क्योंकि देखो, क्योंकि डिस्क्रीट केस है, मैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख रही हूँ. अगर कंटिन्यूस होता तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में नहीं, फिर वो इंटीग्रेट होके होता है. सो बेसिकली अगर ये कंटिन्यूस होता, एक बार देख लो, अगर ये कंटिन्यूस होता तो हम लोग इंस्टेड ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंस्टेड ऑफ समिंग, हम लोग इसको कैसे करते, हम लोग इसको ऐसे करते, इंटीग्रेटिंग फॉर एक्स वन का वैल्यूज व्हाट योर ऐसे करते, इंटीग्रेटिंग फॉर द वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वन, गॉट इट, समिंग ओवर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स वन, यहां इंटीग्रेटिंग फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ, करेंगे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस का भी ले लेंगे, बट वाई आई टुक दिस बिकॉज मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नॉट दैट. ठीक है, तुम लोग का एफ आर एम में ये टाइप का आता है. ठीक है, हम लोग करेंगे उस टाइप के भी समझ, हम लोग कर लेंगे. तुमको कुछ नहीं, तुमको ये वाला गिवन रहेगा, तुम उसको इंटीग्रेट कर दोगी इन टर्म्स ऑफ एक्स वन. तो जब तुम उसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा जो एक्स टू वाला वैल्यू है वो कांस्टेंट माना जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करोगी. सो क्या होता है, चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं. सपोज तुम्हारा है हाफ एक्स वन एक्स टू, ये तुम्हारा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स वन. लेट्स सपोज एक्स वन का वैल्यू जा रहा है जीरो से वन तक, लेट्स सपोज. ठीक है, तो इंटीग्रेट करके ये क्या होगा, हाफ एक्स टू कॉमन है, एक्स टू कॉमन बाहर चला गया, सॉरी एक्स टू बाहर चला गया, तुम एक्स वन को इंटीग्रेट कर रहे हो, एक्स वन स्क्वायर बाय टू गोइंग फ्रॉम जीरो टू वन. तो जो भी है आंसर क्या आएगा तुम्हारा, फाइनली हाफ ऑफ एक्स टू आएगा फाइनली, जब तुम इसको एक्सपेंड कर दोगे. सो इट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ वॉट, हम लोग को चाहिए भी तो वही था, इन टर्म्स ऑफ एक्स टू, गॉट इट. तो यहां पे हम लोग को चाहिए होता इन टर्म्स ऑफ एक्स टू, तो एलिमिनेट करने के लिए हम लोग सम. अब यहां पे भी इफ यू टेक एग्जांपल्स, तो लेट्स सपोज हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स वन हो गया 5% माइनस 5% एंड एक्स टू ले लो माइनस वन, तो इसमें क्या क्या ऐड होगा, देखो एक्स वन माइनस फाइव एक्स टू माइनस वन प्लस, बोलो एक्स वन जीरो एक्स टू माइनस वन प्लस एक्स वन वेरी गुड. सो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर एडिंग वॉट, तुम बोल रहे हो एक्स टू माइनस वन 20% वेन एक्स वन इज माइनस फाइव, एक्स वन जीरो माइनस वन, एक्स वन 5% माइनस वन, तो ये पूरा को कितना और 30% आ रहा है, 20 प्लस 10 प्लस जीरो,
So now can you similarly find the marginal distribution of क्या क्या वैल्यूज है? एडिंग अप टू, अगर नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा जिसका एड होके. अब हम लोग एक काम करते हैं, यहां जाते हैं और यहां हम लोग ये रिजल्ट्स पॉपुलेट करते हैं. ये आ रहा था हम लोग का, ये हम लोग का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स टू है. ये हम लोग का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ठीक है. आई डोंट थिंक आई कैन टेक दिस टू अनदर पेज. कर सकते हैं? बैक नहीं कर सकते अब? कहाँ सिलेक्ट हुआ? नहीं, सिलेक्टेड नहीं है अब. चलो नो वरीज, आई हैव टू मेक दिस अगेन. एक्चुअली उस वाले में आई एम अकस्टम्ड, इसमें आई एम नॉट वेरी अकस्टम्ड. कोई बात नहीं, छोड़ो. एक बार मेरे को बताओ ना, आई विल राइट इट बिकॉज मेरे को चाहिएगा. एक्स वन इज -1, -1, जीरो एंड वन. ये एक्स वन था, ये एक्स टू था, दिस इज क्या क्या है? ठीक है. अब इसी पे हम लोग लेके दो तीन डिफरेंट चीजें जो हमने पढ़ा था, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल दैट, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे. तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या पढ़ा था, बोलो. अच्छा, एक चीज और निकालना, चलो एक चीज और निकाल लो. अगर बोला जाए कि सबसेट ऑफ एक्स टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक्स टू इज अ सबसेट ऑफ -1 एंड जीरो, मतलब सारे वैल्यूज नहीं लिए मैंने एक्स टू के, आई हैव टेकन अ सबसेट ऑफ एक्स टू. इसका मेरे को तुम लोग डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के बता पाओगे? या फिर इसके पहले आई थिंक
कंडीशनल कर लेते हैं तो इजीली तुम लोग कर पाओगे, ये छोड़ दो, हम लोग कंडीशनल करेंगे तो समझ पाओगे, ये वाला छोड़ दो। इसके पहले मेरे को बताओ कि इंडिपेंडेंट होने का क्या होता था कंडीशन, इफ द टू, हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी में कब इंडिपेंडेंट होता है, मल्टीप्लाई कब होता है, इसमें होता था ना, जब तुम लोगों का याद करो ना, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू y, अगर हम लोग को इसको इंडिपेंडेंट करना है तो हम लोग को क्या बोलना पड़ता था, या फिर इसको ऐसे ले लो, प्रोबेबिलिटी बोलो, इट्स बेसिकली देख लो, अच्छा छोड़ दो, एक बार इसको देखो, x गिवन y इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी x y डिवाइडेड बाय, तो अब अगर ये इंडिपेंडेंट है तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे, तो ये जो चीज है इंटरसेक्शन, दिस इज नथिंग बट राइटिंग इट लाइक दिस ओनली, मतलब x इंटरसेक्शन y इज राइटिंग दिस ओनली, सेम थिंग, ठीक है, तो ये हम लोग का इंडिपेंडेंट रूल था। अब इस केस में दो वेरिएबल्स है x1 और x2, मेरे को बताओ क्या यहां पे x1 और x2 आपस में इंडिपेंडेंट है, क्या यहां पे इज इट इंडिपेंडेंट, ये देख के बताओ, हम लोग कोई भी एक उठाएंगे, ठीक है, लेट्स से सपोज हम लोग बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल्स टू 5%, ठीक है, एंड x2 इक्वल्स टू, लेट्स से सपोज माइनस वन, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल क्या आ रहा है, ये हो गया आपका LHS, 5% माइनस फाइव, क्या माइनस वन, 0% आ रहा है। अब अगर हम लोग इंडिविजुअल निकाले, मतलब x1 इक्वल्स 5% मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी x2 इक्वल्स माइनस वन, प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल्स 5% का क्या है, प्रोबेबिलिटी अभी निकाला मार्जिनल 35%, 35%, 35% हुआ इंटू x2 इक्वल्स टू माइनस वन का क्या आ रहा है, इसका समथिंग नॉट जीरो, सो दीज टू आर नॉट द सेम, दीज टू आर नॉट द सेम, सो इफ इट इज नॉट द सेम, हम लोग क्या आ रहा है इसका, वैसे तो 10.5 हो गया ना, ठीक है, तो ये और ये सेम नहीं है, और अगर सेम नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, गॉट इट, दिस इज हाउ यू कैन प्रूव इंडिपेंडेंस ऑल्सो, नहीं पूरा रूम वो हो जाएगा सफोकेशन, ठीक, तो अब अगर मेरे को कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है, तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन लेट्स से सपोज मैं बोल रही हूं निकालो प्रोबेबिलिटी, या फिर लेट मी राइट इट इन दिस फॉर्मेट, एफ एक्स वन गिवन एक्स टू, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या कंडीशनल पीडीएफ, ठीक है, तो ऐसे लिखोगे एक्स वन गिवन एक्स टू कॉमा समथिंग कॉमा सम एक्स, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो इंटरसेक्शन होता है दैट्स द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ना, ये आपका इंटरसेक्शन हुआ ना, जो मैंने ऐसे लिखा था तुम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, दिस इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन ओनली, तो इंटरसेक्शन, तो उसको हम लोग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच इज x1 कॉमा x2
एंड ब्रैकेट में x1 कॉमा या तो x2 लिख दो या x लिख दो, वट एवर, डिवाइडेड बाय ठीक है. नाउ लेट्स फाइंड द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर योर एक्स टू इज वन. मतलब मैंने क्या निकालने बोल दिया, मतलब मैंने बोला है कि आप निकालो कि हाँ x1 गिवन x2, x1 गिवन x2 इक्वल्स बोलो 1, विच इज इक्वल टू कॉमा क्या होगा, वेरी गुड, कॉमा 1 होगा. करेक्ट करेक्ट. अब रुको मैं बता रही हूं कैसे होगा ये. तो बेसिकली जब x2 तुम्हारा 1 है ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको एक्चुअल में सारे ऐड करने पड़ेंगे और नीचे में क्या जाएगा, x2 जब 1 है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, x2 जब 1 है उसका प्रोबेबिलिटी 30% है, और x2 जब 1 है तो एक्चुअल में सब डिवाइड नहीं करना है तुमको, तुम खाली ऐसे लिख के छोड़ोगे क्योंकि अभी मैंने कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला. ये क्या हो गया तुम्हारा डिवाइड बाय 0.3 या 30% वॉट एवर, एंड ऊपर में यही वाला टर्म तुम दोबारा से लिख दोगे, तुम्हारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा. क्या डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा देखो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा समझो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे बनेगा. सो यू विल से दैट दिस इज इक्वल टू, जब x1 माइनस 5 है तो कितना आ रहा है, कौन सा लोगे, ये वाला लेना पड़ेगा. देखो x1 माइनस 5% लेना पड़ेगा. तो वेरी गुड, कैसे मैं फिर से लिखा देती हूं, 5% कॉमा नहीं 1, 1 गिवेन दैट x2 इज 1. सिमिलरली सेम थिंग फॉर 0% फॉर -5%, ये -5 लिख देते हैं ठीक है. तो ये कितना है, मतलब अब तुम लोग एक मिनट देखना, पूरा नहीं देखोगे, खाली ये वाला देखोगे कि जब x2 1 है, मतलब ये फॉलो करना है हम लोग को, खाली जब x2 1 है तो x1 5 -5% का प्रोबेबिलिटी इज 5%, सो दिस बिकम्स 5% या 0.05 बाय 0.30 सिमिलरली बाकी बताओ क्या होगा. जब अगर 1 है और ये 0 5 और ये 20 है, सो अगेन 0.05 बाय 0.3 0.2 बाय अब इसी में अगर मैं एक और चीज दे दूं, तुम लोग निकालो ठीक है, इसी में एक और चीज देती हूं तुम लोग निकालना, कि आई एम सेइंग इसी में एक चीज निकालो
जहां मैं बोल रही हूं दैट एक्स टू, अभी मैंने क्या लिया था एक्स टू एज, नहीं एक्स वन गिवन, एक्स टू गिवन क्या लिया था वन ना, अब मैं ले रही हूं माइनस वन एंड जीरो बोथ, इट्स अ सबसेट, अब कर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो तीन बनेगा बेसिकली। अब तुम लोग का कैसा बनेगा ध्यान से देखना, अब तुम लोग का ये चीज बनेगा x1 गिवन x2, ठीक है, x1 गिवन x2 बिलोंग्स टू माइनस वन एंड जीरो इंस्टेड ऑफ जस्ट वन वैल्यू, तो इसका तुम लोग का तीन डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, बनाओ ट्राई करो ये करने का।